मैं आपका बेटा हूं, आपके समाज का बेटा हूं, आपका लड़का हूं। आप हमें माफ कीजिए और पुनः फिर से आशीर्वाद दीजिए। जो बचा हुआ है वो भी हम ही करेंगे, जो किए हैं वो आपके सामने में है। बिजनेस बिहार में हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आ चुका है और आज मैं अभी मौजूद हूँ चिरंजीवपुर पंचायत में। और चिरंजीवपुर पंचायत बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र का हिस्सा है और बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में 10वें चरण का मतदान 8 दिसंबर को होना है, वहीं 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं यह जन सैलाब है और जन सैलाब निवर्तमान मुखिया नीलम कुमारी का। तो मैं आपको बता दूं, चिरंजीवपुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया रह चुके नीलम कुमारी इस बार पुनः फिर चुनावी मैदान में है और हमारे साथ इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि सह वर्तमान मुखिया प्रत्याशी नीलम कुमारी के पति मुकेश शर्मा हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस उद्देश्य से आपके प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और उन्होंने 5 साल में इस पंचायत में क्या विकास कार्य किया। हालांकि नीलम कुमारी का इस पंचायत में 10 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि, हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम बिहार आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपकी पत्नी नीलम कुमारी इस पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, पुनः या फिर चुनावी मैदान में इस उद्देश्य चुनावी मैदान में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में हर घर गली नली जल नल जल और विकास के नाम पे वोट अपने गांव के बल पे मांगने के लिए आए हैं और जनता और मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे आशा है कि हम जीत लेंगे। 5 वर्षीय कार्यकाल में लगातार आपके प्रत्याशी सवालों के घेरे में रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं प्रत्याशी के सवालों का घेरे में का जवाब नहीं दूंगा, ये जनता जवाब देंगे। मैं अपना जो कर्म किया हूँ, मैं कर्म के बल पर मैं जनता से आशीर्वाद लेने के लिए पुनः दोबारा आया हूँ। 5 वर्षीय कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ इस चिरंजीवपुर पंचायत? ग्राम पंचायत अपने स्तर से 9 जल मीनार का काम करवाया, 65 योजना गली नली का, और मेरे पंचायत में बिचौलियों के हाथ में प्रधानमंत्री और इंदिरा आवास बिकता। नीलम कुमारी मुखिया जी के बनने के बाद कोई आवास में न लूट हुई, न खसूट हुई, न दलाली हुआ। जनता का हक जनता तक पहुंचा। यह जिस पंचायत में हम मौजूद हैं, एक समय हुआ करता था कि यह पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में था, लेकिन आपके कार्यकाल में वो आदर्श पंचायत खत्म हो गया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। मेरे कार्यकाल में, मेरी पत्नी के कार्यकाल में बहुत सुंदर पंचायत चला है। मेरे जनता से पूछ लीजिए, कहीं किसी का कोई लूट ना खसोट ना भ्रष्टाचार ना अलाली ना दलाली, निर्भय होकर के जनता मुखिया जी से मिले हैं और मुखिया जी सदैव अपने को सेवा दिए हैं। क्या अगर इस बार सफलता मिलती है तो क्या आदर्श पंचायत के रूप में यह पंचायत हो पाएगा? आदर्श पंचायत है और रहेगा भी। मेरा एक ही निवेदन जनता से है, जो मेरा कुछ अधूरा कार्य रह गया हो, चाहे वो गली नली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य और शिक्षा पर मेरा प्राथमिकता रहेगा, पहला विकास इसी पे होगा। यदि सफलता मिलती है तो आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी, इसके अलावा अन्य कोई मेरे यहाँ गली नली का मामूली सा 2-4-5% कहीं काम बच गया, वो भी कोरोना काल के लेकर के। कोरोना काल अगर नहीं आता, उसमें राशि अगर आ जाती तो वो भी नहीं मिलता, चूँकि कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम हुए हैं जो वो हमें भी दिखाई दे रहा है। कुछ जगह कुछ जनप्रतिनिधि का असहयोग के कारण कुछ कार्य बच गए हैं, जिस कार्य को पूरा करने के लिए फिर दोबारा से आपकी पत्नी नीलम कुमारी इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया रहे और सन 2020 में ये पूरा विश्व एक भयावह आपदा से गुजर रहा था, उस आपदा के वक्त आपने इस पंचायत के मतदाता एवं आम आवाम के लिए क्या किया? सैनिटाइजर, मास्क, साबुन का वितरण किया गया। इसके अलावा कोई और सेवा? इसके अलावा और कोई सेवा नहीं। राशन जनता को सरकार के द्वारा मिल रही थी, तत्परता दिखा करके डीलर के यहाँ से सौ में। तो हमारे साथ मौजूद थे निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी सह वर्तमान मुखिया प्रत्याशी के रूप में उनके प्रतिनिधि मुकेश शर्मा थे। हमने इनसे बात किया और इनसे जानने का प्रयास किया कि आखिरकार 5 वर्षीय कार्यकाल में इस पंचायत में विकास कार्य कितने हद तक हुआ या सिर्फ
कागज के पन्नों पर ही सीमित रहा। हम चिरंजीवीपुर पंचायत की एक एक भौतिक स्थिति से लगातार आपको अवगत कराएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार चिरंजीवीपुर पंचायत विकास के कार्य में कितना हद तक सफल रहा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बछवाड़ा प्रखंड का इकलौता पंचायत चिरंजीवीपुर पंचायत था जो विकास कार्य के साथ आदर्श पंचायत के रूप में माना जाता था। हम इनसे एक और बात करेंगे कि क्या यह जो आप बात कह रहे हैं कि हम काम पर तो वोट मांग रहे हैं, यदि फिर आपको सफलता मिलती है तो क्या चुनावी वादा जो आप कर रहे हैं वो चुनावी वादा बिल्कुल सफल रहेगा? बिल्कुल सफल रहेगा, और मेरा काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। मैं अपने काम के बल पर मैं वोट मांगने के लिए जनता के बीच आया हूँ और मैं कोई चुनावी घोषणा नहीं करता। दो बार मेरी पत्नी मुखिया यहाँ रह चुकी है, मेरा काम बोलता है, मैं फिर विकास और काम करके दिखाऊंगा। तो यह अपने काम पर मजदूरी मांग रहे हैं, अब देखना है कि चिरंजीवीपुर पंचायत के सम्मानित मतदाता इनको काम पर मजदूरी देते हैं या फिर इस पंचायत में परिवर्तन की लहर आती है। तो हम आपको चिरंजीवीपुर पंचायत की लगातार एक एक भौतिक स्थिति से अवगत कराएंगे। तो देखते रहिए बिहार। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।